Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so in previous class, that means in part 1 or part 2, we have already discussed, we have already started our chapter 1 of your grammar textbook, that means sentence, aur iska part 1 or part 2 humne finish kar liya tha. So today we are going to start its part 3. So, aaj ki class start karne se pehle, first I need to revise whatever we have discussed in part 1 and part 2. So, humne part 1 or part 2 mein kya kara tha? That what is sentence and what are the types of sentences. So how many types of sentences are there? There are four types of sentences. First one is declarative or assertive, then imperative, then next is interrogative, and last one is exclamatory. Okay, so we have already discussed first one, declarative or assertive, and imperative sentence. So today I am going to start इंटरोगेटिव. हमने डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है. अभी आज हम क्या डिस्कशन करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, सो प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 7, ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7. ओके, सो व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? राइट, नाउ लुक एट योर बुक एंड लिसन टू मी. अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस को हम बोलेंगे जो क्वेश्चन में, सॉरी, जो सेंटेंस में हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हम किसको क्वेश्चन पूछेंगे, या हमको कोई क्वेश्चन पूछेगा. मतलब सेंटेंस में से हमको समझ आएगा कि इट इज इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. इसमें से हमको क्वेश्चन का पता चलेगा, कोई भी तरीके का क्वेश्चन. ओके, सो अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू स्टेइंग, ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जैसे व्हाट इज योर नेम, मतलब तुम्हारा नाम क्या है. वेयर आर यू स्टेइंग, अब तुम कहाँ पे रहते हो. व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो. सो ये जो है क्वेश्चन फॉर्म में, जो सेंटेंसेस से हमको क्वेश्चन फॉर्म पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. क्लियर? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमको कैसे पता चलेगा कि दिस सेंटेंस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस? नाउ लिसन, अन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क. जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके एंड में क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली यू हैव टू पुट. ओके, इट आस्क समथिंग. क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज. इट बिगन्स विद वर्ड्स लाइक हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, लाइक दैट. ओके, सो दीज आर द फीचर्स. फीचर्स मतलब क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, कौन सी चीज़ से हमको पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है. सो क्या क्या था? अन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. इट ऑलवेज आस्क विथ क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस, एंड इट बिगिन्स विथ वर्ड्स लाइक हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, लाइक दैट. ओके, सो व्हेन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, सर्टन चेंजेस टेक प्लेस. दैट मीन्स जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, मैंने पहले बताया था, जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, नॉर्मल फैक्ट होता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जब चेंज करते हैं, वो वर्ड में, वो सेंटेंस में कुछ चेंजेस होता है. क्या चेंजेस होता है? नाउ लुक एट योर, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो, आई ऑलरेडी रिटन यू, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ. सो ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? इट इज डिक्लेरेटिव. आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ, दैट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, सो व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस हियर? लुक एट हियर, कैन आई गो, डिक्लेरेटिव में क्या था? आई कैन गो एंड फुल स्टॉप. जब इसको इंटरोगेटिव में हमने कन्वर्ट किया, सो व्हाट यू हैव टू राइट? कैन आई गो, क्वेश्चन मार्क. ओके, तो इसमें क्या चेंज हुआ? लिसन, द वर्ड ऑर्डर इज चेंज्ड इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. पहले जो डिक्लेरेटिव था उसमें लिखा था आई कैन गो, जब इंटरोगेटिव हुआ कैन आई गो, इसमें चेंजेस हुआ. राइट, ओके, सो द ऑक्सिलरी वर्ब चेंजेस इट्स पोजिशन एंड कम्स बिफोर द सब्जेक्ट फॉर्मिंग. सो व्हाट इज ऑक्सिलरी हियर? ऑक्सिलरी वर्ब है कौन है? कैन. सो जो कैन था वो सबसे पहले आ गया, उसके बाद क्या आया? सब्जेक्ट. देन जो मेन वर्ब है, सेंटेंस में एक वर्ब भी होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होगा. तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट है, तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो मेन वर्ब है वो आ जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क वी हैव टू पुट, देन इट विल मेक अ
इंटरोगेटिव सेंटेंस. ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, ही ईट्स अ बनाना एवरी डे. ही ईट्स अ बनाना एवरी डे, ये कौन से विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? इट इज डिक्लेरेटिव, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखा. अगर इसको हम इंटरोगेटिव कर रहे हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू, डज ही ईट अ बनाना एवरी डे, डज ही ईट अ बनाना एवरी डे, इट्स इंटरोगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सेंटेंस अलग सेंटेंस लिखे जो आपके बुक में नहीं. ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. जब इसको हम इंटरोगेटिव करेंगे, यहाँ पे वर्ब क्या है? गोज. वर्ब मतलब क्या है? जो हम काम कर रहे हैं, जो क्रिया है, वर्ब मतलब क्रिया हिंदी में. तो वर्ब कैसे हम पहचानेंगे सेंटेंस में? जो काम हो रहा है, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? जाना. तो दैट मीन्स वो जो है वो वर्ब. सो ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है. तो गोज जो है वो वर्ब है. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, जैसे यहाँ पे एक कैन था, एक ऑक्सिलरी, और गोज ये जो गोज था ये था मेन वर्ब, ये ऑक्सिलरी होता है. तो जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, एक मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, गोज मतलब सिंपल प्रेजेंट लिखा है, ही गोज टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट. तो जब सिंपल प्रेजेंट लिखा है, गोज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ टू मेक इंटरोगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज ही गो टू स्कूल, ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट हियर. सो व्हाट यू हैव टू डू, ये सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए हमने यहाँ पे डज लिखा. अगर यहाँ पे पास्ट होता तो हम लिखते डिड. ओके, तो यहाँ पे ही गोज टू स्कूल सिर्फ एक मेन वर्ब है, तो हमको यहाँ पे क्या लाना है, एक ऑक्सिलरी वर्ब लाना है. ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में है. दैट्स व्हाई आई हैव टू, वी हैव टू राइट डज ही गो टू स्कूल. यहाँ पे डज आ गया इसलिए यहाँ पे गो आ गया. ओके, सो डज ही गो टू स्कूल, इट विल मेक इंटरोगेटिव. अंडरस्टूड? सो ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बी ए डब्ल्यूएच क्वेश्चन एंड बिगिंस विथ वर्ड्स लाइक व्हेन, व्हाई, डू, डिड, डज, व्हाई, हाउ. जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग में या तो WH क्वेश्चंस आएंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, ऐसे आएंगे. या तो अन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी ए क्वेश्चन व्हिच कैन बी आंसर विथ येस और नो. या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो येस और नो में भी स्टार्ट हो सकता है. ओके, नाउ लिसन, लुक एट योर बुक. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट वन येस और नो क्वेश्चंस. सपोज क्वेश्चन पूछा गया, आर यू टायर्ड, तो आपको क्वेश्चन में आंसर में क्या देना है? येस आई एम टायर्ड, या तो नो आई एम नॉट टायर्ड. देन इज योर फ्लाइट कैंसल्ड, इसमें भी आप येस नो में आंसर दोगे, येस माई फ्लाइट इज कैंसल्ड, या तो नो माई फ्लाइट इज नॉट कैंसल्ड. देन नेक्स्ट टाइप क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, हु केम टू पिकअप यू, वेन आर यू लिविंग टूडे, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ. अंडरस्टूड? सो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज डी. अभी हम एक्सरसाइज डी करेंगे. सो व्हाट इज गिवन इन एक्सरसाइज डी, वेट अ मिनट. ओके, सो नाउ एक्सरसाइज डी, मेक क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द कन्वर्सन. मेक क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द कन्वर्सन, यूज वर्ड्स लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, हूज, डिड और डू. सो एक्सरसाइज डी में हमको क्या करना है, मेक क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तैयार करना है, क्वेश्चंस बनानी है टू कंप्लीट द कन्वर्सन. जो एक्सरसाइज डी में आपका आंसर्स लिखा है, वो आंसर के लिए क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो क्वेश्चन हमको बना के लिखना है. And the question should be start from how, when, where, whose, did, or do. ये सारे use करके हमको questions बनाने हैं. Answer जो है वो लिखा हुआ है, वो answer के लिए क्या question हो सकता है वो हमको बना के लिखना है. और ये जो सारे options दिए हैं, how, when, where, do, did, इसको use करके हमको लिखना है. Okay? So shall we start? Now question number D. Answers आपके book में लिखा है, that's why I have not written here. I already written the questions what we have to make.
फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D1, आंसर क्या दिया है? माय बर्थडे इज इन जून, माय बर्थडे इज इन जून, मतलब मेरा बर्थडे जून में है। तो आपको क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो, तुम्हारा बर्थडे कब है? सो क्या लिखना है आपको, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई वर्क इन पटना, आई वर्क इन पटना, मतलब मैं पटना में काम करती हूँ या करता हूँ। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ पे काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, ओके। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, यस आई कंप्लीटेड माय वर्क, हाँ मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, हैव यू कंप्लीटेड वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, मतलब क्या तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट कर दिया है, हाँ मैंने मेरा काम कंप्लीट कर दिया। सो व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू मेक हियर, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, ओके, या यू कैन राइट आल्सो हियर, डू यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू लिख सकते हो, या डू यू कंप्लीटेड वर्क योर वर्क, यू कैन राइट आल्सो, यू कैन राइट हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, या आल्सो यू कैन राइट डू यू कंप्लीटेड योर वर्क, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, माय ब्रदर इज बेटर नाउ, माय ब्रदर इज बेटर नाउ, मतलब मेरा भाई अभी अच्छा है। सो क्वेश्चन क्या पूछोगे, हाउ इज योर ब्रदर नाउ, हाउ इज योर ब्रदर नाउ, तुम्हारा भाई अभी कैसा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर क्या दिया है, दिस इज माई न्यू पेंसिल बॉक्स, दिस इज माई न्यू पेंसिल बॉक्स, ये मेरा नया पेंसिल बॉक्स है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हुज न्यू पेंसिल बॉक्स इज दिस, हुज न्यू पेंसिल बॉक्स इज दिस, मतलब ये न्यू पेंसिल बॉक्स किसका है, हुज मतलब किसका, हुज न्यू पेंसिल बॉक्स इज दिस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज गिवन, यस आई डू हैव अ पेन, यस आई डू हैव अ पेन, सो क्या लिखना है, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, तो आंसर क्या दिया है, हाँ मेरे पास पेन है। तो क्वेश्चन क्या होगा, डू यू हैव अ पेन, अंडरस्टूड। सो नाउ ऑल दीज आर क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज डी, फिर से मैं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू राइट व्हेन इज योर बर्थडे, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू वर्क, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, और एल्स यू कैन राइट डू यू कंप्लीटेड योर वर्क। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज योर ब्रदर नाउ, 5, हुज न्यू पेंसिल बॉक्स इज दिस, 6, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, ओके, इट्स डन, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। हाउ शुड यू मेक एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एंड